google.com ये एक ऐसी वेबसाइट बन चुकी है आज के हजरत इंसान के लिए जिस पे हर चीज़ का जवाब मौजूद है, लेकिन उसका जवाब नॉर्मली टेक्स्ट में होता है। तो हम उससे दो तीन चीज़ें आपको मैं सर्च करना बताता हूँ कि उस पर सर्च कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे, व्हाट टाइम इज़ इट नाउ इन पाकिस्तान। अच्छा, बहुत सारे लोग लिख के करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि माइक्रोफोन का बटन है, आप अगर इसको दबाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ अलाउ कर देंगे तो आप बोल के भी सर्च कर सकते हैं। अब आपने ये माइक्रोफोन का बटन दबाया और बोला, व्हाट टाइम इज इट नाउ इन पाकिस्तान। द टाइम इन पाकिस्तान इज 3:23 पीएम। व्हाट टाइम इज इट नाउ इन न्यूयॉर्क। द टाइम इन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क यूएसए इज 6:24 एएम। व्हाट टाइम इज इट नाउ इन लंदन। द टाइम इन लंदन यूके इज 11:24 एएम। कितना आराम से सर्च हो गया आ गया। फिर अगर आप इसको चाहें तो आप लिखें, हाउ मेनी पीपल लिव इन पाकिस्तान। इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज 212,215,030। हाउ मेनी पीपल लिव इन न्यूयॉर्क। इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स वाज 8,398,748। What is the monthly income of a person in New York? What is the monthly income of a person in San Francisco? Here is information from smartasset.com. देखिए कितने आराम से जवाब आना शुरू हो गए। तो इससे आपको हर चीज़ पूछनी चाहिए और आप जो है उर्दू में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दबाया और उर्दू पूछा, पाकिस्तान में क्या टाइम हुआ है। The time in Pakistan is 3:18 PM. Pakistan mein kitne log rehte hain? In 2018, the population of Pakistan was 212,215,030. New York mein kitne log rehte hain? San Francisco mein kitne log rehte hain? To aapko jawab aa gaya likha hua. Kaisa hai? To Google se search kare. इसको, ये आपका सेकंड बेस्ट फ्रेंड है यूट्यूब के बाद। मुझे यूट्यूब ज़्यादा पसंद है, गूगल भी बहुत पसंद है। तो इससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, फैक्ट चेक करने बहुत आसान हो जाते हैं। फैक्ट चेक क्या होते हैं कि किसी ने बोला ऐसा होता है ऐसा होता है, तो हम किसी की बातों में ना आए, गूगल पर जाएँ, उस पर सवाल करें, तीन चार लोगों के डेटा हमारे सामने आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हकीकत क्या है। बजाय इसके कि उसने ये कहा था उसने ये कहा था, वो ज़माना ख़त्म। हर चीज़ को गूगल करें, डेटा सामने आ जाता है, और नहीं भी आता तो कम से कम बहुत सारा डेटा आ ही जाता है। गूगल की आदत डाल।